Hello dear students, right now I am going to tell you translation of 5 marks in Bihar board. Okay dear student, really do you want to make a correct sentence? And first of all you have to absorb my lecture. Okay dear students, let me speak Hindi. मेरी मनसा आपको अंग्रेजी बोलकर नीचे दिखाना नहीं है. Okay dear students, आज लोग हम 5 marks का translation present indefinite tense में total 10 से WS से और auxiliary verb से 5 marks कहीं से translation पूछा जा सकता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे. पहले हम लोग आज प्रेजेंट इंडिफिनिट ट्रांसलेशन बनाना सेंटेंस सीखें. बहुत सारे विद्यार्थी ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है, बना नहीं पाते सेंटेंस सही तरीके से. तो आज की क्लास में टोटल एक एक सेंटेंस पूरा प्रॉपर सेंटेंस सही तरह से बनाएंगे, ठीक है. चलिए ध्यान दें, लेक्चर को अटेंड पूरे लेक्चर को बढ़िया से अटेंड करें. कन्फर्म आपसे एक सिंगल गलती भी, सिंगल मिस्टेक भी नहीं होगी आपसे. ओके डे स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का ट्रांसलेशन बिहार बोर्ड के लिए. तो आज लोग हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस दो नाम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. किसी किसी विद्यार्थी का देखते होंगे दो नाम रहता होगा, ठीक है. स्कूल का नाम मोहन और घर का नाम मंगरुआ, यानी मंगरू. अब घर पर जाएंगे हम, पूछेंगे मोहन है, तो आसपास के बच्चे खेल रहे होंगे, पूछेंगे मोहन है, तो ना यहाँ तो कोई मोहन नहीं है. हम बोले बबा, फिर 5 मिनट रुक गए, हम बोले बबा मोहन को बुलाओ ना, कह दिन में कोई मोहन वोहन नहीं रहता है. फिर 10 मिनट वेट किए हम, 10 मिनट वेट करने के बाद पूछे बउआ मोहन को बुलाओ ना, कह दी थी मांग मत खा, जो कह रहे नहीं कि यहाँ कोई मोहन वोहन नहीं रहता है, तो देख रहे सामने से आ रहा है. तो हमको तो नाम तो मोहन मालूम था, ठीक है. तो हम देखते यही तो है मोहन, तो ऐसा ना कहिए कि हम मंगरू भैया के खोज रहे थे. तो दोनों नाम मालूम रहता, दिक्कत नहीं था. ननकी देखिए छोटा, देखने में छोटन, अब बड़े बड़े दम बातें कर रहा था, धमकी दे रहा था, ठीक है. तो दोनों नाम आते, दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, स्टूडेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है. तो ठीक उसी प्रकार इसके भी दो नाम है, हम पढ़ा दिए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको हम ना पढ़ाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगा. कोई व्यक्ति अगर सज्जन पूछ देंगे सिंपल प्रेजेंट तो नहीं जवाब दे पाएंगे, फिर दिक्कत होगा. प्रेजेंट इंडिफिनिट भी सही है और सिंपल प्रेजेंट भी, ठीक. टेंसेस सीखेंगे हम लोग. ओके स्टूडेंट, देखा जाए प्रेजेंट इंडिफिनिट में राम अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो राम क्वेश्चन है, राम अंग्रेजी पढ़ता है. देखिए किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले उसको मेन पार्ट बनाइए. कितना बड़ा ट्रांसलेशन आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो पहले उसका मेन पार्ट बनाइए, शुरू वाला और अंत वाला, गलती नहीं होगी आपसे. तो राम अंग्रेजी पढ़ता है, शुरू वाला और अंत वाला. तो राम, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो राम आ गया ना, तो राम हम लिख दें यहाँ पर, राइट किए कि नहीं किए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखा जाए राम पढ़ता है, तो राम पहले लिखें. पढ़ना का क्या होता है, गो थ्रू, अन्यथा रीड भी होता है और स्टडी भी होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो राम गोस थ्रू, ठीक है. तो राम पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ना का क्या होता है, गो थ्रू. सब्जेक्ट सिमिलर है तो वी फाइव लगाएं तो गोज हो गया, गोस थ्रू. और पढ़ता क्या है, इंग्लिश, तो इसको बगल में रख देंगे, राम गोस थ्रू इंग्लिश. ओके डियर स्टूडेंट्स, राम अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए रीड मतलब भी, स्टडी डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों रीड मतलब भी पढ़ना, तीनों का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है. रीड मतलब पढ़ना, स्टडी मतलब पढ़ना, और गो थ्रू मतलब भी पढ़ना. तो वही स्टडी रीड, स्टडी मालूम है, रीड मालूम, जो नहीं याद है हम उसको अपने ब्रेन में लेंगे, यूज करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट. गलत नहीं है किसी तरह से. तो राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो मेन पार्ट और बच्चे को पार्ट को रख देना. तो राम पढ़ता है, राम गोस थ्रू, और क्या पढ़ता है भाई, इंग्लिश पढ़ता है, लास्ट में रख दिया, सेंटेंस बन गया, कभी एक सिंगल मिस्टेक नहीं हुआ. देखा जाए डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको फिर हम इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको प्रैक्टिस पर लिखवा रहे हैं, ठीक है. लिखा जाए प्रैक्टिस पर, लिखा जाए मैं पढ़ता हूँ. ये डियर स्टूडेंट्स ए का फर्स्ट, मैं पढ़ता हूँ
दो नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, वह हंसती है, वह हंसती है डियर स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी स्टूडेंट। प्रैक्टिस पीडब्ल्यू सी डब्ल्यू पढ़े, एच डब्ल्यू पढ़े, पीडब्ल्यू मतलब प्रैक्टिस वर्क। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी आउट करते चले प्रैक्टिस वर्क है और मेरे दो लिखवा जाएगा। ठीक है चल, कमान हरी, डोंट टेक टाइम। चल स्टूडेंट्स, फोर नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, वे गरीबों को खिलाते हैं, वे गरीबों को खिलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइव नंबर क्वेश्चन देखा जाए, फाइव नंबर क्वेश्चन, तुम झूठ बोलते हो, उसका डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, लड़कियां गीत गाती हैं, सेवन नंबर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, वह प्रयास करती है, वह प्रयास करती है, मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ, मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ। नाइन नंबर, सूरज पूरा में उगता है, पश्चिम में उगता है, सूरज सूरज पूरब में उगता है, उगता है और पश्चिम में डूबता है, डूबता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फोर नंबर क्वेश्चन, वे गरीबों को खिलाते हैं, और फाइव नंबर क्वेश्चन देखा, तुम झूठ बोलते हो, सिक्स में लड़कियां गीत गाती हैं, सेवन नंबर वह प्रयास करती है, एट नंबर मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ, नाइन नंबर सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें और राइट करवाएंगे। ठीक है चल, कमान हो गया, सर राइट करते चले साथ में, और प्रैक्टिस वर्क को सावधानी से पूरा प्रैक्टिस वर्क को सॉल्व करना है, बनाना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, टेन नंबर क्वेश्चन देखा जाए, टेन नंबर क्वेश्चन है, वह मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखा जाए बी नंबर, बी नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, वह धनी है, दूसरा क्वेश्चन, मैं गरीब हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मैं गरीब हूँ, उसके बाद हम लोग खुश हैं, फोर्थ नंबर डियर स्टूडेंट देखा था, हम लोग खुश हैं, फोर्थ नंबर में वह लड़का है, फाइव नंबर वह लड़का है, वह लड़का है, वह कलम है, वह कलम है, वह निर्दयी है, देखा जाए। टेन नंबर का क्वेश्चन है, वह मुस्कुराती है, बी नंबर ए में वह धनी है, दो नंबर मैं गरीब हूँ, तीन नंबर हम लोग खुश हैं,
उसका तो क्वेश्चन है, फोर नंबर वह लड़का है, फाइव नंबर वह कलम है, सिक्स नंबर वह निर्दयी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके डियर स्टूडेंट, यू शुड कॉपी आउट, कंटिन्यू, कैरी ऑन। कौन हरिया? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट गो थ्रू कर लिए, स्टडी कर लिए, और देन अब लोग हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके तीन नाम हैं, तीन नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, तीनों नाम को याद रखना है। फर्स्ट आपका आ गया प्रेजेंट, डिस्टेंस ये सी है, टी मस हो जाएगा, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, कंटिन्यूअस टेंस। उसका डिस्टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसका डिस्टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके डिस्टेंस, थ्री नाम, कितने नाम? इसके तीन नाम हैं, कौन कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके डियर, तीन नाम से इसको जानते हैं। ज़्यादा फेमस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ज़्यादा दिख लोग, बहुत स्टूडेंट्स, बहुत लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए, एग्जांपल देखा जाए, देखा जाए, राम उस काम को कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो क्रिया वर्तमान में जारी हो, वर्तमान में जारी क्रिया को हम लोग अपनी आंखों से देखने में सक्षम हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो राम क्या कर रहा है? उस काम को कर रहा है, तो वर्तमान में क्या है? जारी है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं आप लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिया कौन सी, कौन सी क्रिया जारी है? पढ़ाने का। यानी जब कोई कार्य वर्तमान में जारी हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे देखा जाए, हम सिखाए थे कि कोई भी टेंस बनाने से पहले उसका मेन पार्ट बनाना है हमको। क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स? मेन पार्ट। क्या बनाना है? मेन पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेन पार्ट बनाना है। मेन पार्ट के बताने के बाद बच्चे को पार्ट को रख देना है। आपसे कभी वो सेंसेशन, छोटा या बड़ा ट्रांसेशन, कभी गलती नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। देखा जाए तो मेन पार्ट पकड़ना सीखिए पहले, शुरू वाला, अंत वाला। वैसे राम कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम को राम लिख देंगे। करना क्या? तो डू, मतलब करना। डू में वी फोर कहते किसको? इसमें वी फोर लगता है। वी फोर को चर्चा हम करेंगे, पहले सेंटेंस को बनाते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ध्यान दें, राम उस काम को कर, राम कर रहा है, तो राम इज, डू इसे बी फोर लगा था, डू मतलब करना, आई एन जी लगा देंगे तो बन जाएगा डूइंग। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ कर्सिव राइटिंग, लेकिन आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी को कर्सिव राइटिंग नहीं आता है, बिहार बोर्ड, ठीक है ना, इसलिए सोचे कि उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए खड़ा कर राइट कर, किसी कठिनाई का सामना ना करें, लिखने के दौरान उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके डियर स्टूडेंट, देखा जाए तो राम इज डूइंग, उसका क्या होता है? डैट, इसका दिस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसका डैट, इसका दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो राम उस काम कर रहा था, राम इज डूइंग, उसका क्या होता है? डैट, बच क्या गया उस काम को, तो डैट वर्क लिख दीजिए। बन गया डियर स्टूडेंट्स, मेन पार्ट और बच्चे पार्ट, उस काम को कर रहा था, राम इज डूइंग डैट वर्क, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से बन चुका है डियर स्टूडेंट। देखा जाए, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो सिंगुलर हम बता दें, सिंगुलर, ठीक है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आई के साथ एम, और आर किसके साथ? प्लूरल के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना? सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? इज, यहां लिख दे रहे हैं। आई के साथ
एम प्लूरल के साथ आर, और सिंगुलर प्लूरल क्या क्या होता है वो भी फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताना चाहिए था, फॉरगेट कर गया सॉरी इसके लिए, और इसमें हम बता दे रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको पहले कॉपी आउट कर लें। चलिए सिंगुलर प्लूरल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉपी आउट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए वी फोर कहते किसको है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा हो, जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा हो उसे वी फोर कहते हैं। चलिए हम राइट कर देंगे, दिक्कत ना हो आपको। वी फोर किसे कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा हो, जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा हो उसे वी फोर कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा हो उसे वी फोर कहते हैं। ओके वो क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए इसे प्रैक्टिस को लिखवा दे रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करते चलेंगे सिंगुलर प्लूरल कौन कौन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको राइट करवा देंगे, चलिए इसको कॉपी आउट कर लें, इसके बाद प्रैक्टिस पर लिखवाएंगे और सिंगुलर प्लूरल कौन वो भी राइट करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसके पी डब्ल्यू लिखवाएंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल हमें डिस्क्राइब करना भूल गए थे, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए राइट कर लीजिएगा इसको भी। ही सी इट, एक नाम सिंगुलर होता है इसके साथ। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं, ठीक, जैसे याद रखिए ही सी इट एक नाम सिंगुलर होता है। अब देखा जाए आई सिंगुलर होता है, वी दे यू एक से अधिक नाम प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ही सी इट एक नाम सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर होता है, वी दे यू एक से अधिक नाम प्लूरल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो बताया गया इसमें, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अब प्रैक्टिस वर्क राइट करवा रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या करेंगे, प्रैक्टिस वर्क पी डब्ल्यू लिखवाया जा रहा है जो बनाएंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्य नाच रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चे हल्ला कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, स्त्रियां झगड़ रही हैं। फोर नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तुम वहां जा रहे हो, फाइव नंबर मैं उनके पास जा रहा हूं, सिक्स में क्वेश्चन देखा जाए, वह अपनी माँ के पास जा रही है।
माँ के पास जा रही है। गुड स्टूडेंट्स, वो अपनी माँ के पास जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्या नाच रही है, सेकंड नंबर बच्चे अलग कर रहे हैं, थर्ड नंबर स्त्रियाँ झगड़ रही हैं, फोर्थ नंबर तुम वहाँ जा रहे हो, फाइव नंबर मैं उनके पास जा रहा हूँ, सिक्स नंबर वो अपने माँ के पास जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, टोटल एक वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पूरा प्रेजेंट खत्म करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, वह उस काम को कर चुका है, वह उस काम को कर चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स मेन पार्ट क्या होगा, वह कर चुका है मेन पार्ट होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जब कोई कार्य वर्तमान में निश्चित रूप से समाप्त हो जाए तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। मैंने शब्दार्थ याद कर लिया है तो निश्चित रूप से, अब ए फॉर एप्पल बचपन से, जैसे कोई वर्ड चार पाँच वर्ड वोकैब्स दिया गया तो निश्चित रूप से याद कर लिए ना, यानी जब कोई कार्य वर्तमान में निश्चित रूप से समाप्त हो जाए, जब कोई कार्य वर्तमान में अभी अभी या तुरंत निश्चित रूप से समाप्त हो जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। स्टूडेंट्स, वह उस काम को कर चुका है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, और करना का क्या होता है, डू, डू का वी3 क्या होता है, डन, और तो पहले हैज़ लगाएंगे, हैज़, ही हैज़, डू का वी3 क्या होता है, डन, तो ही हैज़ डन, उसका क्या होता है, डैट। डियर स्टूडेंट, ही हैज़ डन डैट, बच्चे पार्ट को रख दीजिए, डैट वर्क, मेन पार्ट वह कर चुका है, तो ही हैज़ डन क्या कर चुका है, उस काम को, उस काम को, डैट वर्क। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखा जाए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। देखिए सिंगुलर के साथ हैज़, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए दिक्कत हम राइट कर दे रहे हैं, दिक्कत आपको ना हो डियर स्टूडेंट्स। अब देखा जाए पुलर के साथ, के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको कॉपी आउट कर ले, अब मैं इसको PWD राइट करवा रहा हूँ। ओके कम ऑन, हरी अप, डोंट टेक टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रैक्टिस वर्क का कुछ फ्यू प्रैक्टिस वर्क लिख ले। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सीता को देखा है, मैंने सीता को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, उसने कहानी लिखी है, थ्री नंबर क्वेश्चन देखा जाए, वो जीत चुका है, वे जीत चुके हैं, फोर नंबर डियर स्टूडेंट्स, उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, फाइव नंबर डियर स्टूडेंट देखे जाए, वह मुझे भूल गई है, वह मुझे सिक्स नंबर, वो मुझे भूल गई है, तुमने मुझे गाली दी है, तुमने मुझे गाली दी है, सेवन नंबर देखा जा रही है स्टूडेंट्स, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे
बुलाया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने सीता को देखा है। देखना क्या होता है? सी, सी मतलब देखना, ठीक है। सी का भीतरी क्या होता है? सीन। उसने कहानी लिखी है, लिखना क्या होता है? राइट होता है, राइट का भीतरी रिटेन। जीतना क्या होता है? विन। विन का भीतरी क्या होता है? वन, डब्ल्यू ओ एन, वन। भूलना का, भूलना फॉरगेट होता है, फॉरगेट। फॉरगेट का भीतरी फॉरगेटेड या फॉरगॉट भी होता है, एफ ओ आर जी ओ टी। उसने मुझे गाली दी, गाली देना क्या होता है? अब्यूज। अब्यूज का भीतरी क्या होता है? अब्यूज्ड। और उसने मुझे बुलाया था, बुलाना है क्या होता है? कॉल, सी ए डब्ल एल कॉल, सी ए डब्ल एल कॉल। कॉल का भीतरी क्या होता है? कॉल्ड, सी ए डब्ल एल ई टी। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और माय बिहाफ एवरीवन। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मीन्स सेंस और फॉर का प्रयोग हम लोग काफ़ी बारीकी से। टेंस का सबसे डिसाइसिव टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे ऑन माय बिहाफ, बाय बाय।